दूंगा जनाब जुनेद अफजल साही साहब को, जो कि मेंबर हैं प्रोविंशियल असम्बली पंजाब के, एक वो स्टेज के ऊपर तशरीफ़ लाएँ और इजहार ख्याल पेश करें। जनाब जुनेद अफजल साही साहब। औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आप सब दोस्तों का और ख़ासूसी तौर पे पब्लिक पॉलिसी के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे आके आप लोगों से हमकलाम हो सकूँ। जैसा चांडिया साहब ने बड़ी तफसील से यहाँ पे गुफ्तगू की, मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले फ़ोकस करना चाहिए था। मैं पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ से बिलोंग करता हूँ। लास्ट टाइम जब हमारी गवर्नमेंट थी तो वी बिकेम द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन ज़िमनी इलेक्शन 2022। उसके 6 महीने के अंदर ये जो प्रपोज़ल्स यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं, इसके लिए हमने भी एफर्ट की कि कैबिनेट में भी आवाज़ उठाई जाए और अपनी जमात की तरफ से यहाँ पे कोशिश की जाए कि जो पुलिस का सर्विस स्ट्रक्चर है, इसकी बेहतरी के लिए इकदाम किए जाएँ। ये सबसे ज़रूरी और अहम जुज़ इस वजह से है कि जो शख्स ASI या सब इंस्पेक्टर भर्ती होता है, उस बेचारे को अगर ये शोटी नहीं है कि उसकी ग्रोथ है उस डिपार्टमेंट के अंदर या उसकी सर्विस के अंदर, तो वो शख्स शायद उतनी दिलजोई से और मेहनत से, लगन से काम नहीं कर सकेगा। एक बंदे ने जिसने ASI भर्ती होना है, उसको पता है कि उसका हद टारगेट जो है वो DSP तक है, तो वो अपना पूरा टाइम जो है वो डिफरेंट किस्म की चीज़ों के ऊपर सर्व करने की कोशिश करेगा, बिकॉज उसने रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों का लाइवलीहुड देखना है। उसने देखना है कि बच्चे किस तरीके से जो है वो सर्वाइव कर सकेंगे। यहाँ पे 18th अमेंडमेंट के बाद जो पुलिसिंग है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट, जो सूबों को डिवॉल्व कर दी गई थी पावर, ये सूबाई इख्तियार में, दायरे इख्तियार में ला दिया गया था। लेकिन आज के दिन तक जिस तरह अनफॉर्चुनेटली आपके IG से लेके और जितने ऑफिसर्स SP रैंक के हैं, इन सब की पोस्टिंग्स और ट्रांसफ़र्स के लिए डेपुटेशन पे हमें PSP कैडर के लोग मंगवाने पड़ते हैं, तो ये सूबे का प्राइम फोकस होना चाहिए था सेंस 2013 ऑनवर्ड्स, जब ये 18th अमेंडमेंट पास हो चुकी थी। ये सूबों के पास इख्तियार है था और इसके ऊपर काम नहीं किया गया। इसके अंदर मैं समझता हूँ कि बहसीत मेंबर पंजाब असम्बली, हम सारे इस फेलियर का हिस्सा हैं। इस दफ़ा जिस तरह चंडिया साहब ने कहा, मैं कोशिश भी करूँगा कि अगर इस तरह का कोई बिल असम्बली के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से आए तो हम सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए इनके ऊपर तनकीद ना करें, बल्कि कोशिश करें कि अमली तौर पे एज अपोजिशन हम एक्टिव रोल प्ले करें बेहतर पुलिसिंग के लिए पंजाब के अंदर। फिर दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि आप में से अक्सर जो इस पुलिस के महकमे से वाबस्ता हैं और चंद सिविलियंस मेरे और चंडिया साहब जैसे जो असम्बलियों में बैठते हैं, हम लोग इस चीज़ से आगाह हैं कि इस महकमे के अंदर दो अलहदा किस्म की मखलूक जो है वो रहती है। एक को नूरी मखलूक और एक को खाकी मखलूक कहा जाता है। खाकी मखलूक वो रैंकर्स हैं जो बेचारे अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और पंजाब की आवाम की खिदमत के लिए अपनी लाइफ सर्व कर रहे हैं। नूरी मखलूक वो डायरेक्ट पैराशूटर्स हैं जो PSP केडर के अंदर से हमारे ऊपर नाजिल किए जाते हैं। उन बेचारों के कसूर सिर्फ इतना मैं समझता हूँ कि एक बंदा जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, अगर वो DSP बनेगा तो वो जिस तरीके से थाना चलाता रहे उसको सारे सिस्टम का पता होगा। लेकिन जो ASP साहिबान डायरेक्ट आते हैं, उनके पास क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता, उसकी वजह से इफ़ेक्टिव पुलिसिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती पंजाब के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है कि आप लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जिधर तक हम लोगों की कोशिश होगी, बीइंग मेंबर्स ऑफ पंजाब असम्बली, हम पंजाब की लेजिस्लेटिव असम्बली के अंदर बैठ के कोशिश करें कि इस चीज़ को बेहतर किया जाए। इसके अंदर आपका सर्विस स्ट्रक्चर जो है, जो पंजाब पुलिस सर्विसेज के क़याम के लिए कोशिशें की जाएं, अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉलिसी ना भी इनिशिएट की गई तो हम कोशिश करेंगे कि अपोजिशन की तरफ से ये बिल जो है असम्बली के अंदर पेश किया जाए। और जितनी अच्छी बातें मेरे बड़े भाई चांडिया साहब ने यहाँ पे की हैं, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के दोस्तों को ये साथ मिलाएंगे और कोशिश करेंगे कि पंजाब के लोगों की खिदमत के लिए और ये जितने लोग यहाँ पे पुलिस के अंदर लोअर रैंक्स के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं,
इनका सर्विस स्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए और इनकी खिदमात को सराहने के लिए हम सारे इकट्ठे होंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो ट्रू स्पिरिट में 18th अमेंडमेंट के बाद पुलिस के लिए लेजिस्लेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो की जाए, ताकि इन्हीं रैंकर्स के अंदर से जो बंदा ASI या सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ है वही IG के रैंक के ऊपर रिटायर हो और यहाँ पे बेहतर और इफ़ेक्टिव पुलिस जो है वो पंजाब के अवाम को मैसर आए। बहुत शुक्रिया।